जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता पिता के बच्चों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। माता पिता की इसी भूमिका को बढ़ाने के लिए हम यहाँ कुछ गतिविधियाँ लेकर आए हैं जो टीचर माता पिता के साथ कर सकते हैं। यह सेशन है कंसोलिडेशन। टीचर को माता पिता के साथ यह सेशन लेने के लिए 5 पड़ावों का ध्यान रखना होगा। इस वीडियो में हम इन 5 पड़ावों को जानेंगे। यह 5 पड़ाव कुछ इस तरह से हैं। पहला, आज के दिन का लक्ष्य स्पष्टता से बताना। दूसरा, वर्कशॉप की अहम यादों पर बातचीत। तीसरा, आदर्श पालक योजना पर समझ बनाना। चौथा, बच्चे के साथ घर पर गतिविधि। पांचवा, अगली वर्कशॉप के लिए निर्देश। जब माता पिता कार्यशाला में आए तो टीचर मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करे और माता पिता को बताए कि आप आज के विषय को लेकर कितना उत्साहित हैं। अब टीचर पहले पड़ाव पर बातचीत करें और माता पिता को आज के दिन का लक्ष्य स्पष्टता से बताएं। टीचर माता पिता को बताएं कि आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम सभी ने पिछली कार्यशालाओं से क्या सीखा। इसके लिए हम कुछ गतिविधियां करेंगे। टीचर सभी को छोटे समूह में उनकी टीम और टीम के सदस्यों के बारे में एक एक अच्छी या सराहनीय बात साझा करने को कहे। दूसरा पड़ाव, वर्कशॉप की अहम यादों पर बातचीत। टीचर माता पिता को बताएंगे कि आज हम जानेंगे कि पिछली कार्यशालाओं में हमने क्या क्या सीखा। इसके लिए टीचर माता पिता को वर्कशीट 6 की एक एक फोटोकॉपी बांटेंगे। अब टीचर माता पिता को वर्कशॉप की अहम यादें शीट समझाएंगे और इस शीट में लिखे 3 सवाल पढ़कर बताएंगे। यह सवाल है, पहला, 3 चीजें जो आपने इस 6 दिनों की कार्यशाला से सीखी। दूसरा, 3 से 5 लोग जिनके साथ आप आगे भी जुड़े रहना चाहेंगे, उनका नाम और नंबर लिखें। तीसरा, 3 से 5 चीजें जो आप कार्यशाला के बाद भी बच्चों के साथ करते रहेंगे। टीचर माता पिता को इन 3 सवालों के जवाब लिखने के लिए 10 मिनट का समय दें। इसके बाद शीट के नीचे बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं में लिखी गतिविधियां माता पिता को पढ़कर बताएं और उन्हें ऐसी ही और गतिविधियां इस शीट में ऐड करने के लिए कहें। इस कार्य के लिए माता पिता को 10 मिनट का और समय दें। तीसरा पड़ाव, आदर्श पालक परियोजना पर समझ बनाना। इसके लिए टीचर 4 चीजें करेंगे। पहला, माता पिता को बताएंगे कि माता पिता होने के कारण हम अधिकतर बच्चों के जीवन से जुड़े निर्णय को लेकर काफी परेशान रहते हैं। हम जो भी निर्णय लेते हैं वह बच्चे की सुरक्षा, वे आगे कैसे बढ़ेंगे आदि बातों को ध्यान में रखकर लेते हैं। इस सब में हम माता पिता होने की असली खुशी भूल जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। दूसरा, टीचर बताएंगे कि आज सभी माता पिता उन पलों के बारे में सोचेंगे जब उनके बच्चे ने चलना सीखा था, जब वह पहली बार बोला था या जब वह पहली बार स्कूल गया था या स्कूल गई थी। हम उन सभी पलों के बारे में सोचेंगे और अपने छोटे समूह में एक दूसरे से साझा करेंगे। तीसरा, टीचर सभी को दर्शना जी का वीडियो दिखाएंगे। चौथा, टीचर सभी माता पिता को आदर्श पालक परियोजना की एक एक फोटोकॉपी बांटेंगे। अब टीचर सभी माता पिता को आदर्श पालक परियोजना समझाएंगे और उन्हें बताएंगे कि इस परियोजना में उन्हें बच्चे का नाम, बच्चे का क्लास, बच्चे के क्लास टीचर का नाम, बच्चे के क्लास टीचर का फोन नंबर, माता का नाम, पिता का नाम और घर के पास रहने वाले 2 SNC सदस्यों का नाम लिखना है। इसके बाद अगले 6 महीने तक माता पिता को देखना है और लिखना है कि बच्चा कितने दिन स्कूल गया, बच्चे के साथ माता पिता ने कितने दिन बैठकर बातचीत की, हर महीने बच्चे के साथ कितनी बार खेले या मनोरंजक कार्य किया, हर महीने बच्चे के साथ कितनी बार शैक्षणिक या मनोरंजक कार्य किया, हर महीने बच्चे के शिक्षक से कितनी बार मिले, हर महीने की कुछ खट्टी मीठी यादें। जो भी माता पिता 6 महीने तक नियमित रूप से इस परियोजना का पालन करेंगे उन्हें SMC द्वारा प्रोत्साहन पत्र दिया जाएगा, यह भी माता पिता को बताएं। चौथा पड़ाव, बच्चे के साथ घर पर गतिविधि।
टीचर माता पिता को यही गतिविधि यानी आदर्श पालक परियोजना घर पर बच्चे के साथ करने के लिए कहेंगे और उन्हें बताएंगे कि अगले 6 महीने तक उन्हें यह परियोजना भरनी है। पांचवा पड़ाव, अगली वर्कशॉप के लिए निर्देश। टीचर माता पिता को अगली वर्कशॉप या कार्यशाला के बारे में बताएंगे कि पहला, सभी माता पिता को अपने अपने बच्चों के साथ आना है। दूसरा, रंगों की डिब्बी साथ लानी है। तीसरा, ऐसा खेल सोचकर आना है जो वह अपने बच्चे के साथ खेलना चाहेंगे, जैसे लूडो या सात पर्ची आदि। चौथा, एक मैट लेकर आना है। अगली वर्कशॉप का दिन व समय बता दें। टीचर माता पिता को बोलें कि अगले शनिवार उन्हें फिर से इस कार्यशाला के लिए आना है और घर पर बच्चे के साथ जिस वर्कशीट पर काम किया है वह भी साथ लानी है। अब टीचर एक मुस्कुराहट के साथ माता पिता को कार्यशाला में आने का धन्यवाद कहें और उन्हें अलविदा कहें। हम आशा करते हैं कि आप यह सत्र सफलतापूर्वक करवा पाएंगे। धन्यवाद।